लेकिन एक बात बताओ, एक बच्ची को बचाने के लिए इतने सारे लोगों की बैंड बजा दी? ये कहानी उसी बच्ची के साथ शुरू। चेन्नई के अस्पताल में उस बच्ची को दिल का इंतजार था। उस बच्ची तक दिल नहीं पहुंचता तो उसकी जान चली जाती। बच्ची के लिए दिल 345 किलोमीटर दूर बेंगलोर से आना था। समय कम था और खतरा ज्यादा, लेकिन आखिर में जीत इंसानियत की हुई। शुरुआत हुई दिल कैसे ले जाया जाए इतने कम समय में। आपको बता दूं, उस बच्ची के माता पिता एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ये बस एम्बुलेंस पर ही निर्भर थे। फिर बुलाया गया एम्बुलेंस ड्राइवर को, जो आज उस बच्ची के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के हीरो बन चुके हैं और सबके दिल में बस चुके हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर मोहम्मद हनीफ ने कहा, अगर ट्रैफिक खाली हो तो मैं इस दिल को ले जा सकता हूँ। जल्द से जल्द फिर ट्रैफिक पुलिस के मदद से ट्रैफिक खाली करवाया गया और पब्लिक सपोर्ट का भी सहयोग उस दिल पहुँचाने में रहा। लोग अपनी कार और बाइक साइड में कर दिए, लोगों ने रोड खाली करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर मोहम्मद हनीफ ने अपनी जान की परवाह किए बिना तेजी से दिल को उस छोटी बच्ची के दिल से मिलाया। आज सबके जुबान पर उस एम्बुलेंस ड्राइवर हनीफ का नाम है। वहीं उस ड्राइवर को प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद किया, उनकी सराहना की। चलिए देखते हैं इस ड्राइवर की दिल के पहुंचाने तक का वीडियो फुटेज। अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली, जीता रहे अपना भैया लिमिट एक घंटा लो ड्राइव एक ग्रेड भैया कार्ड శబ్దం పగిలి ముక్కలవుతున్న భీకర దృశ్యం అలలెగసిన తడి అలకడి ఆగ్రహ తేజమై రూపుదాల్చిన సత్యం ఆకత్రాణ పరాయణ దీక్షా పర్వం అహో ఆరంభం బందా 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 బందా